मंथन जी, राम राम जी, क्या हाल चाल आपकी? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीटेट से जुड़ी एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। यदि आप जानना चाहते हैं सीटेट के बारे में कि क्या नई अपडेट आई है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, सीटेट के बारे में एक नई अपडेट आई है। अपडेट क्या है दोस्तों, आपने अभी सीटेट के फॉर्म अप्लाई किए होंगे, आपने अभी सीटेट के फॉर्म अप्लाई किए होंगे, आपको एग्जाम डेट का आइडिया होगा। जो संभावित एग्जाम डेट है आपकी, वो दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 रहने वाली है। इस टाइम के बीच क्या होगा, आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है। तो आपने अभी जो फॉर्म भरे थे दोस्तों, जो आपने भी फॉर्म भरे थे, यदि आपके उन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, यदि कोई गड़बड़ हो गई थी किसी प्रकार की, तो अब आप वो ठीक कर सकते हैं। जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो गई है, वो शुरू हो गई है। हाँ जी, ये नई अपडेट आई है। यदि आपने सीटेट का फॉर्म भरा था और आपको एग्जाम देना है आपके आगे सीटेट का, यदि फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई है, तो अब आप उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों, करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों, ये आज ही अपडेट आई है दोस्तों। 28 नवंबर से आप जो करेक्शन है वो कर सकते हैं, और ये जो लिंक है आपका 3 दिसंबर तक चालू रहेगा। 28 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक क्या कर सकते हो आप, अपने सीटेट के फॉर्म में करेक्शन है, सुधार है, मॉडिफिकेशन है, वो कर सकते हैं। और फिर आपका एग्जाम कब होगा, दिसंबर या जनवरी में, ठीक है। तो ये एक जरूरी अपडेट थी आपकी करेक्शन वाली, ये अभी कुछ समय पहले ही आई है, ठीक है। आज से ही फॉर्म शुरू हुए हैं करेक्शन के, तो यदि आपको करेक्शन करना है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी भाई। हाँ जी बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।